अमिता ये सब क्या है? और ये कौन सी अगरबत्ती है? कमरे में इतनी रोशनी है फिर भी आपने मोमबत्तियां? अमित मैं ये मछली मेरे कमरे में क्या कर रही है? हटाओ इसे। अमित शांत प्लीज। नहीं नहीं मैं शांत नहीं होऊंगा, मुझे मछलियां इस कमरे में नहीं पसंद। ये फेंग शुई का सामान है और इससे घर में खुशियां भावनाएं और प्यार फैलता है। अमिता परिवार में खुशियां बनाने के लिए ना ये अगरबत्ती ये मछली ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी अकल जो आपके पास नहीं है और अगर है तो उसे इस्तेमाल कीजिए। अमिता ये सब क्या है आपको पता है? मैं ये सब नहीं मानता। ये फेंग शुई है पर ये काम करती है। अमिता ये दीवार सालों से ऐसी है लेकिन दीवारों का रंग नहीं बदला। पर्दे जैसे पुराने होते हैं नए पर्दे आ जाते हैं। हर चीज सालों से जैसी है वैसी ही है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे बदलाव नहीं पसंद। पर अमित ये आपके अच्छे के लिए है, इससे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। जितना है उतना में मैं खुश हूँ, मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। अमित अगर आपको बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना तो अमेरिका क्यों जा रहे हैं? अमिता आप बहुत ही अच्छे से जानती है कि मैं अमेरिका क्यों जा रहा हूँ। ये सब जो आप सब हरकतें करती रहती है ना उससे तो मुझे लगता है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अगर हम एक दूसरे से दूर रहेंगे ना तो बहुत खुश रहेंगे। और जब मैं चला जाऊँ ना उसके बाद एक फिश के पूरा एक्वेरियम ला देना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अमित भैया आपके पापा आपको बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। ये सारी चीजें ना इस कमरे से फौरन हटा देना प्लीज। जय श्री कृष्ण। वाह जय श्री कृष्ण फाल्गुनी। जय श्री कृष्ण। ये जो सिल्क की साड़ी है ना, अरे ये कोई सिल्क है? सूती साड़ी इससे अच्छी होती है। जरूर तेरे मायके से लाई होगी। किसने दी? बा तो मैं भूल ही गया ने, ये साड़ी आप ही ने तो दी थी। घर में पहन पहन के क्या हाल कर दिया है इसका। लेकिन ये साड़ी तेरी दूसरी साड़ियों से अच्छी है। हाँ भले बा। इश्कर, इश्कर, एक सेकंड, ये ट्रे मुझे दो और तुम ना जाके मेरा कमरा साफ करो, काफी गंदा है। मॉम ये सडनली क्या हो गया आपको? नौकरों वाले काम क्यों कर रहे हैं? किरण भाई ने किसको बुलाया? अमित को। तो हमें मालूम नहीं होना चाहिए इस घर में कौन किससे बात कर रहा है। जासूसी नहीं। हेलो क्या बात है टीना, तुम चाय लेकर क्यों आई हो? गणेश कहाँ है? अरे मैं अपनी भाभी के लिए चाय नहीं ला सकती। हाँ तो ठीक है ना, एक काम करो दो कप और ले आओ, सब साथ में मिलकर चाय पीते। जय श्री कृष्ण पापा। जय श्री कृष्ण। बैठो। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। देखो अमित ये वो फाइल है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, मिस्टर बक्सी हमारे नए क्लाइंट की फाइल। इस फाइल में उनके सारी जानकारी और डिटेल्स, ध्यान से पढ़ लेना। और हाँ जरूरी फाइल है, संभाल कर रखना, अगली मीटिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी। जी हाँ सुनो I am
I'm sorry, beta. Well, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था. नहीं पापा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, गलती मेरी है. अगर मैंने ये लापरवाही नहीं की होती तो शायद ये सब होता ही नहीं. आई एम सॉरी पापा. लव यू. बाप बेटे में सुलह हो गई, नया काम आ गया है. लगता है अमिता का वो फेंग शुई बा, फेंग शुई. हाँ हाँ, वही काम कर रहा है. आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कहीं नहीं, तू जा. काश पेंशन में ये भी लिखा होता कि अपने पति के दिल में अपने लिए प्यार कैसे पैदा करते. पापा जी ने क्यों बुलाया था? सब ठीक है ना? बहुत बड़ा क्लाइंट मिला, बिजनेस की बहुत बड़ी डील के लिए. सच? देखा, मैं आपसे कहा था ये फेंग शुई का कमाल है. अमिता, बिजनेस ना आदमी की मेहनत उसकी काबिलियत से बनता है. इन सब से नहीं. ठीक है, मैं कल ही सब कुछ हटवा दूंगी. अमिता! Oh God! She's mad or what? उसे लगता है एक फिश बोल लाकर और इधर उधर से कहीं से सामान लाकर अपनी शादी को बचा लेगी. No, mom, ये सिर्फ एक फिश बोल की बात नहीं है. आपको लगता है कि वो लड़की इतनी बेवकूफ है? उसने पूरी प्लानिंग की हुई है, सीरियसली. मतलब? मतलब ये कि पूरे सामान के साथ वो खुशबू वाली अगरबत्तियां भी लेके आई. या तुम भी ना. लेकिन एक मिनट गाइस, आप लोगों को पता है ना कि अब हमें आगे क्या करना है? अरे डोंट वरी, हमारी मॉम को अच्छे से पता है कि हमारी अगली चाल क्या होनी चाहिए. तुम्हारे काका ने अमित को मिस्टर बख्शी की फाइल दी है. उन्होंने केवल फाइल नहीं दी है रोहन, हमें एक और मौका दिया है अमित को उनकी नजरों में गिराने का.
गुड नाइट. गुड नाइट. फिर से चोट लगी? हाँ, पैरों में लगी, हाथ में लगी. हाँ, कितनी बार बोला आपको, फिर से चोट लगा दी ना आपने. अगर ये हारमोनियम मेरे सर के ऊपर बजता रहेगा ना, तो किसी को भी नींद नहीं आएगी. अमित, एक काम कीजिए, आप बेड पर सो जाइए, मैं वहां सो जाऊंगी. नहीं नहीं, ठीक है. तो आप भी यहीं आ जाइए. बस कल ना ये सब सारी चीजें हटा देना है. ये सब ना फेंग शुई का सामान है. इसको घर में रखने से पता है क्या होता है, घर की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, और हो सकता है तेरे और अमित के बीच की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए. फेंग शुई काम करता है. अमित मेरे पास सो रहे हैं. अब क्या हुआ? वो मछली मुझे कब से देखी जा रही है. वो मछली? नहीं अमित, पाप को नहीं देख रही. अमिता, वो मछली मुझे कब से देखी जा रही है? जरूर आपने खाना नहीं दिया होगा. खाना कहाँ है बताओ. आप नीमो पटेल को खाना खिलाएंगे? नीमो पटेल? मेरी गोल्डफिश. मैंने इस गोल्डफिश का नाम नीमो पटेल रखा है. क्यूट ना. पटेल क्यों? की प्रीति लाई है ना, मतलब मेरे मायके से आई है, इसलिए नीमू पटेल. मैं खाना खिला देता हूँ पटेल जी को. आज मेरे घर पे रुकिए ना पटेल जी. इसलिए किसी और घर पे रुकिए. अमित, नहीं बस बोला था कि उस ड्रॉर में खाना है. यही है ना?
पटेल, फेंग शुई के छोटे फायदे तो देख लियो, पर अब बड़े फायदों के लिए बड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। सोने वाले कमरे में कभी लैपटॉप नहीं रखना चाहिए। पति पत्नी को अपनी हर चीज जोड़े में साथ में रखनी चाहिए। घर में प्यार भरा माहौल होने के लिए प्यार भरी चीजें होनी चाहिए। क्या हो सकती है? हाँ, अमिता मेरे कपड़े कहाँ हैं? और ये क्या है? अमिता, अमिता, ये सब क्या है? बलून। और मेरा बाकी का सामान कहाँ है? मेरा टॉवल, मेरे मोजे, मेरा हैंडकरचीफ कहाँ है? आपने कहा था ना आपको साफ सफाई पसंद है, तो मैंने हमारा कमरा साफ कर दिया। और मुझे एक मिनट, ये लीजिए। ये सब भी फेंग शुई होगा ना, है ना? अब मैं वो अमिता, मैंने आपको कितनी बार कहा, मैंने आपको आज ही कहा था कि मुझे आज शाम तक ये कमरा साफ चाहिए, लेकिन नहीं, आपने सब कुछ उल्टा कर दिया। अमित, आपने मुझे ये सब सामान हटाने के लिए आज का दिन दिया है ना, और आज का दिन अब तक खत्म नहीं हुआ। मेरा लैपटॉप कहाँ है? वो फेंग शुई के हिसाब से लैपटॉप सोने वाले कमरे में नहीं रखते, तो अमिता मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जब मैं घर वापस आऊँ मुझे सब कुछ वैसा का वैसा चाहिए। अब खड़ी है खरौंद के विरुद्ध।